नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मैं एक और फिश रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, तो चलिए देखते हैं आज मैं क्या बनाऊंगी। आज मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ उसे इंग्लिश में बॉम्बे डक फिश कहा जाता है और बंगाली में उसे लोइटे मास कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मैंने यहाँ पर लोइटे मास को थोड़ा सा स्टीम करने के लिए रखा है, थोड़ा सा जैसे ये थोड़ा बॉयल हो जाए। मैं बॉयल इसलिए कर रही हूँ जिससे कि ये फिश का जो बीच का काटा है वो ईज़िली निकल आए, और इसको बिल्कुल चलाना नहीं है, नहीं तो काटा जो है वो बिल्कुल टूट जाएगा। इसलिए इसे हमें इसी तरीके से 3 मिनट के लिए स्टीम होने देना है बिना ऑयल के साथ। और फ्राई पैन में करने से ये क्या होता है कि बहुत चिपकता नहीं है कढ़ाई में, तो ये ईज़िली निकल आता है। और इसे आप ठंडा करने के बाद आप कांटे को निकाल लीजिए। अगर आप कांटे के साथ खाना चाहते हो वो भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, क्योंकि इसका कांटा जो है वो सॉफ्ट होता है। अब हम दूसरी कढ़ाई में, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च, और मैंने यहाँ पर करीबन 3 से 4 मीडियम साइज के आलू को थोड़े बड़े साइजेस में कट कर लिए हैं। और आलू को मैंने छीला नहीं है, छिलके के साथ मैंने आलू को इसमें ऐड किया है। अगर आपको छिलके के साथ पसंद नहीं है आलू तो आप इसको छील के भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 से 4 मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं। उसी बराबरी में मैंने 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज भी लिए हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा भून लूंगी, करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मुझे हाई फ्लेम में इसे भूनना है। इस रेसिपी को करने के लिए फ्लेम को कभी लो मत कीजिएगा, हाई फ्लेम में ही इस रेसिपी को पूरा बनाना होता है, जिससे कि ये बहुत, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई टाइप का होता है इसलिए हमको हाई फ्लेम में ही बनाना होता है। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हमने रफली चॉप्ड किया हुआ टमाटो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक बड़ा साइज का टमाटर जो है वो मैंने ऐड किया है इसमें। अब थोड़ा सा चलाते हैं, चलाने के बाद थोड़ा सा ही, जैसे ये थोड़ा सा भून जाए उसके बाद हम इसमें मटर के दाने ऐड करेंगे। मटर के दाने जो कच्चे हैं, मैंने उबाल के नहीं दिए हैं, ये कच्चे मटर के दाने हैं। हम इसको अच्छे तरीके से अब भून लेंगे, करीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में हम अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। अब भून जाने के बाद हमको इसमें लहसुन जो है वो मैंने यहाँ पर जस्ट, बहुत ज्यादा पेस्ट मैंने यहाँ पर नहीं किया, थोड़ा खुदरा पेस्ट किया है। अगर आप पेस्ट नहीं करना चाहते हो चॉप किया हुआ भी दे सकते हो। थोड़ा ज़्यादा ही लहसुन इसमें थोड़ा सा लगता है, अदरक इसमें बिल्कुल नहीं लगेगा, थोड़ा सा लहसुन बस लगेगा। इसे हम अब अच्छे तरीके से फ्राई, जैसे ही वेजिटेबल्स जो जितने हमने दिए हैं जब थोड़ा सा अच्छे तरीके से भून जाए, तब हम इसमें 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक देंगे हम स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर, और करीबन 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर जीरा पाउडर ऐड किया है करके। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे मसालों के साथ। अब हमने यहाँ पर हरी मिर्च जो है, हमने कटी हुई हरी मिर्च हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च कम ज्यादा कर सकते हो। अब जो लोइटे मास जो हमने पहले से इसे बॉईल कर लिया था, उस फिश का जो हम, आप देख सकते हो मैंने जितने काटे थे उस फिश में वो मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिए हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद 15 मिनट तक कम से कम हाई फ्लेम में देके इसे हमें चलाना होता है अच्छे तरीके से। चलाते इसलिए रहना होता है जिससे कि ये, क्योंकि ये हाई फ्लेम में बनेगा और ये नीचे से चिपक ना जाए और जल ना जाए, इसलिए हमको कंटिन्यू चलाना होता है। देखिए इस तरीके से चलाते चलाते जो है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ये एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपकी आपको मिल सके। देखिए ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, और भी हम थोड़ा इसको चलाएंगे, थोड़ा सा इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से।
ये देखिए ये बन के बिल्कुल रेडी है, देख सकते हो ये इस तरीके से बनेगा। 15 से 20 मिनट तक ये हमको इसी तरीके से चला चला के भून लेना है और ये बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती देंगे। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे धनिया पत्ती के साथ अच्छे से। ये बनके अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे चिल्ले की एक बोल में, हम इसको रख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आज का ये वीडियो बस यहीं तक। नमस्ते।